कोई डाउट नहीं है। गौरव भैया आ गया, कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे आपको जी वाली सेल का साइज बड़ा करना है, तो जी और एच के बीच में ये जो लाइन है, इस पर आप क्लिक करना और इसे मतलब अपने से दूर ड्रैग कर देना। अगर आप अपनी साइड करोगे तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और अपने से दूर करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। अब इसका साइज हमने बड़ा कर लिया सेल का, ठीक है। अब आप अलाइनमेंट वाले ग्रुप को यूज करेंगे। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, स्थिरता। अगर आप अपने टेक्स्ट की स्थिरता कैसे रखना चाहते हैं वो इस पर डिपेंड करती है कि लेफ्ट रखनी है, साइड सेंटर में रखनी है, राइट में रखनी है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये पूरे हैं आपके लेफ्ट वो बॉटम के लिए, मिडल के लिए और टॉप के लिए। तो यहाँ से अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये टॉप वाले अलाइनमेंट है। टॉप से क्या होगा, आपका ये जो वर्ड था ये टॉप पे पहुंच जाता है, नहीं ऊपर पे आ जाता है। ये है आपके सेंटर के लिए और ये है आपकी बॉटम के लिए। बॉटम से नीचे आ जाएगा, मिडल से मिडल में रहेगा और टॉप से ऊपर आ जाता है। अब आप बॉटम मतलब टॉप पे हैं, मिडल पे या बॉटम पे हैं, पर आपको लेफ्ट राइट सेंटर की भी अलाइनमेंट रखनी होती है, तो वो आप किससे सेट कर सकते हैं, इससे। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर वाली है और ये राइट है। कंट्रोल के साथ एल प्रेस करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट एबल हो जाती है, मतलब एनेबल हो जाती है। कंट्रोल के साथ आर प्रेस करने पे सेंटर होती है और कंट्रोल के राइट होती है, और कंट्रोल के साथ ई प्रेस करने पे सेंटर होती है। इसमें शो नहीं करा रही है, आप लोग याद रखना, कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, और कंट्रोल ई सेंटर के लिए, ठीक है, और कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए। जस्टिफाई का इसमें ऑप्शन नहीं है, पर आप शॉर्टकट की से अप्लाई कर सकते हैं। जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों साइड बराबर हो जाता है, लेफ्ट से लेफ्ट में ज्यादा रहेगा, राइट से राइट में, सेंटर से बीच में जाएगा, पर जस्टिफाई से बीच बराबर रहेगा दोनों साइड से। तो अब ये क्या था, टॉप मिडल और बॉटम के लिए थे, अब ये आपके लेफ्ट राइट के लिए। अभी ये कहाँ पे है, जैसे हम इसे मिडल में कर लेते हैं, अभी क्या है, मिडल में है। अभी लेग अलाइनमेंट पे, लेफ्ट अलाइनमेंट पे है, आपको इसे सेंटर पे करना है। इससे आप इसे सेंटर पे ला सकते हैं और इससे लेफ्ट पे ला सकते हैं, बट इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, पर थोड़ा थोड़ा करना है। तो यहाँ से ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट है। डिक्रीज और इंक्रीज से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन से वर्ड की दूरी बढ़ा सकते हैं। मार्जिन क्या हो गई आपकी, ये वाला एरिया जो लाइन है आपकी जो खत्म हो रही है यहाँ पे सेल, ये होती है आपकी मार्जिन। अगर आपको मार्जिन से वर्ड की दूरी बढ़ानी है तो आप इंक्रीज पे क्लिक कर देना, मार्जिन से वर्ड की दूरी बढ़ रही है, और अगर घटानी है तो डिक्रीज पे क्लिक कर देना। अगर इस वर्ड का आपको डिग्री चेंज करनी है, रोटेट वगैरह करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ओरिएंटेशन पे, यहाँ से आप इसे अब घुमा सकते हैं। यहाँ से आप इसे एंटी क्लॉक वाइज मतलब डिग्री वाइज घुमाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसे लेफ्ट राइट सेंटर में रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल का सेंस होगा खड़े में और हॉरिजॉन्टल का सेंस होगा आड़े टाइप में। इतने में अलाइनमेंट वाले ग्रुप में कोई डाउट है, पक्का? अभी अभी आगे बढ़ते हैं तो भी। नेक्स्ट है आपका, जैसे ये आपका सेल है, इसका साइज वापस से आप छोटा कर लेंगे, इस बेस में क्लिक करके अपनी साइड ड्रैग करेंगे, जैसा साइज कैसा होगा, छोटा हो गया। अब हम इसमें ये लिख रहे हैं, ठीक है, हमने इसमें टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी है ना, तो अब क्या हो रहा है, टेक्स्ट अपनी सेल से जो इतना एरिया था उसका, उससे बाहर जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी ये तो ठीक है, अभी इस पूरे में इसने कवर कर लिया, लेकिन अब दूसरी सेल में भी आपको डेटा लिखना है। तब क्या हुआ कि आपका जो फर्स्ट सेल का डेटा था वो हाइड हो चुका है। अगर आप इसका साइज भी छोटा कर लेते हैं, इस पर क्लिक किया और इससे साइज भी छोटा है, तब भी वो पूरा आपको शो नहीं हो रहा है। तो इसको पूरा शो कराने के लिए आप किसका यूज करते हैं, रैप टेक्स्ट का। उसके लिए आपको क्या करना है, केवल वर्ड सेलेक्ट करना है और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपका पूरा वर्ड जो होता है वो एक लाइन में जाता है, शो होने लगता है, ठीक है। अब जैसे आपको हेडिंग देनी थी, हेडिंग में जैसे आप मार्कशीट वगैरह बनाते हैं एक्सेल में, तब आपको हेडिंग देनी होती है, स्कूल का नाम देना होता है, सेंटर का नाम देना होता है, आप जिस शॉप पे आप काम कर रहे हैं, बिल वगैरह बना रहे हैं, तो हेडिंग के लिए क्या करते हैं, पूरी लाइन मर्ज करते हैं। मर्ज मतलब होता है मिलाना। आपने क्या किया, एक एक सेल से लेकर दूसरी सेल तक इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इस मर्ज एंड सेंटर पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना। ये जो पूरे ऑप्शन है इसके ड्रॉप डाउन पर, मर्जन सेंटर, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल, जितनी सेल आप सेलेक्ट करेंगे तीनों से क्या होगा, केवल मर्ज होगा।
ये क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, यानी कि मिल चुकी है। लेकिन आपको ये वापस सेल्स में डिवाइड करनी है। डिवाइड करने के लिए आप लोग करेंगे वापस इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मर्ज सेंटर के ड्रॉप डाउन पर जाकर अनमर्ज पे क्लिक कर देना। तो जितनी भी आपने सेल मर्ज की थी वो क्या हो चुकी है, सारी डिवाइड हो चुकी है। तो इससे आप भागों में बांट सकते हैं और कई सारे भागों को एक में मिला सकते हैं। आ जाएगा ये, आ गया हमने। डेप डेस्क के द्वारा क्या हुआ था कि जो वहां तक दिख नहीं रहा था वो एक लाइन में आ गया था, और मर्जन सेंटर के द्वारा सेल्स मिला रहे थे। अगर नहीं मिलानी है, डिवाइड करनी है, तो उसी से लाइन डिवाइड हो गई थी। यहाँ तक आ गया ये अलाइनमेंट वाले, ये हाँ अलाइनमेंट वाले ग्रुप तक आ गया। कोई डाउट है उसमें तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, ठीक कंट्रोल जेड से हमने ऐसे नॉर्मल कर लिया है। अब हमें ये नंबर वाला ग्रुप पढ़ना है, इसे आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम वाला ग्रुप है, मतलब बहुत काम आएगा आगे चल के, ठीक है। सबसे पहले इसमें इसके ड्रॉप डाउन पे आपको ऑप्शन दिया है, हाँ हो जाता पर सेल के तो साइज, हाँ हो जाता, हो जाता फॉर्मेटिंग से तो हो जाता, बट मुझे इसमें मजा आ रहा था। तो आप नंबर वाले ग्रुप में जाएंगे, इसके ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन किसका मिला है, जनरल का, यानी कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज नहीं होता है। जैसा आपने वर्ड लिखा है ना, सेम वैसा ही लिखाएगा, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे वर्ड लेते हैं उसी को हम सब में चलाएंगे, ठीक है। जैसे 24 लिया है, 24 ही है। अगर आप इसमें जनरल अप्लाई करते हैं तब भी 24 रहेगा, कोई स्पेशल चेंज है इसमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाते हैं और नंबर लिखते हैं। अगर आप नंबर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको डेसिमल में लेना पड़ता है। आपने इस वाली सेल में जाके नंबर वाले को एनेबल किया और अब आप इसमें 24 लिख के एंटर करते हैं। तो इसने किस में ले लिया, नंबर में ले लिया, यानी कि डेसिमल बढ़ा दिया। तो नंबर में आपका ये हो जाता है। थर्ड वाला आपका क्या है, इसमें करेंसी, आपने इसमें करेंसी अप्लाई की, अब आप 24 इसमें लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, करेंसी का सिंबल एनेबल हो जाता है। तो आपने 24 लिख के एंटर किया तो करेंसी के द्वारा क्या होगा, करेंसी का सिंबल आ गया। अगर आपने एक आध वर्ड लिखा है तो आप ये खुद भी लगा सकते हैं। आप ये लगाएंगे कैसे, शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे तो 4 वाली की पे क्या है, ये अकाउंटेंसी वाला साइन है, तो ये एनेबल हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट पे आप डेटा है, आप किसी ऐसे वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इसका बहुत यूज होता है, तब आप पूरे पे तो एक 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 करके लगाने नहीं बैठेंगे। तब आप क्या करेंगे, केवल आपने पूरा ये सिलेक्ट कर लिया, आपको पता है कि इसमें पैसे लगाएंगे, ठीक है, और उसमें क्या किया, ये वाला करेंसी सिलेक्ट कर ली। अब आप इसमें किसी भी सेल में कोई वर्ड लिख रहे हैं उस पर क्या होगा, ये सिंबल अपने आप लगता चला जाएगा। तो ऐसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, अकाउंटेंसी वाला, इसमें चेंजेस सिर्फ इतना होता है कि जब आपने करेंसी चूज की यहाँ से, तब ये जो रुपीज थे ना आपने उसके पास में ये साइन आया था, अकाउंटेंसी में ये साइन थोड़ा सा दूर हो जाता है। इस वाली सेल में हमने अकाउंटिंग अप्लाई किया, अब आप इसमें 24 लिख के एंटर करेंगे, साइन सेम है और सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट वाला इसमें क्या है, शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट मतलब डेट, मंथ और ईयर, इतना आपको शो करा जाएगा। तो हम इसमें एक डेट ले लेते हैं 24 और फिर एंटर करते हैं। तो इन्होंने, हमने और कुछ दिया नहीं, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ले ली। लेकिन फिर अपन इसमें दे देते हैं आज की, दे देते हैं 12/3/2024। ये हमने एक शॉर्ट डेट का फॉर्मेट ले लिया। शॉर्ट डेट के फॉर्मेट में आपको क्या मिला, केवल डे, मंथ और ईयर मिली। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉन्ग डेट का फॉर्मेट। लॉन्ग डेट में आपको डे भी शो कराया जाता है, ट्यूसडे है, मंडे है, सैटरडे है। लॉन्ग डेट पे आप गए, आपने यहाँ से लॉन्ग डेट एनेबल कर ली। अब आज आज की तारीख आप डालेंगे 12/3/2024 और एंटर कर देंगे। साइज छोटा है सेल का, इसलिए हैश टाइप करके दिखाया गया। आप क्या करें, इसका साइज बड़ा कर लें। साइज बड़ा करने पर शो हो गया कि 12 मार्च है, दिन कौन सा है, मंगलवार, और 2024 सन है। तो लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में आपको सब कुछ शो कराया जाता है, और शॉर्ट डेट में